जेडीयू उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में महायोजना 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जेडीयू उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर 11,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसको देखते हुए 1,000 लोगों को दो शिफ्टों में बुलाकर जनसुनवाई की गई है। इसके बाद महायोजना की समिति सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव को आगे करेगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 नागरिकों को बुलाया गया है, जिसमें लोगों की समस्या है कि परखंडीय पार्क को आवासीय घोषित किया जाए, क्योंकि वहां पर सभी जगह मकान बन चुके हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर जीडीए के संपत्ति अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, एक नगर है। आपकी आपत्ति संख्या? सर, क्रम संख्या 2066 है सर। पूरा जो साहब 1600 के बीच हम लोग सब क्रमांक संख्या मिलाइएगा, आपत्ति संख्या मत मिलाइएगा। क्रमांक संख्या 1129 क्या बोल रहे हैं? आपत्ति क्रमांक है, क्रम संख्या है? क्रम संख्या जो है 1221 है, आपत्ति संख्या 1221 है ना, अभी 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 माइक दीजिए उनको। जाए ये 30 मीटर वाले कितने लोग हैं गया है, उसको कम कर दिया जाए ताकि उससे तमाम लोगों का उसमें हान हो रही है। मकान बन गया है 2013 से, और जो है वो पहले जो है सब काश्तकार की ज़मीन थी, वह हम लोग ले लिए और बनवा लिए, और बाद में पता चला कि 50 मीटर तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2018 में NGT ने कर दिया, तो उसको जो है सर आवासी किया जाए। ठीक है, 1471 से 1480 1481 से 1490 1491 से 1500 लगभग सारे विषय क्लियर हो। झारखंड का ये थोड़ा नंबर एक आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार। हाँ, आज जो आपत्तियाँ हमको महायोजना के संबंध में प्राप्त हुई थी वो लगभग 11,000 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, क्योंकि ग्रुपिंग करना जरूरी था कि एक तरह के मैटर एक बार में अगर सुन ले जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको भी समझ में आएगा कि क्या कहाँ पे करना चाहिए और आपको भी अपनी बात कहने में आसानी होगी, वरना ऐसा संभव नहीं होता है कि एक एक व्यक्ति को बुला के वो अपनी बात कहता है तो वो ठीक से ना तो कन्वे हो पाती है और ना ही उसके ऊपर कोई निर्णय हो पाता है। तो इसी क्रम में आज आप लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है और दूसरे फोन में भी हम लोगों ने 12:30 बजे दूसरे और अन्य लोगों को बुलाया है। तो मैं मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी 30-40 लोगों से अलग अलग बात हो चुकी है। सर्वप्रथम जीडीए को धन्यवाद जो हम लोग को बुलाया जो है, और अभिषेक नगर से हम लोग हैं सर, और पाखंडी पार्क हमारा क्षेत्र घोषित है जबकि हमारे क्षेत्र में कम से कम हजारों मकान हैं, और आज से नहीं है सर, 100-200 साल से लोग रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ियां वहां रह रही हैं, और जीडीए ने उसको जो है पाखंडी पार्क घोषित कर दिया जबकि महाराज जी के नेतृत्व में कई कार्यक्रम है, उनके निर्देश में पूरी कॉलोनी डेवलप है, वहाँ हर एक सुविधाएं, चाहे वह सीवर की सुविधाएं हैं, चाहे वह ड्रेनेज सुविधाएं हैं, चाहे वह रोड की सुविधाएं, हर एक लाइट, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी कॉलोनी गोरखपुर महानगर में नहीं है। वहां के मूल बासिंदे भी इससे चिंतित हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, और जीडीए ने हमको कह दिया, एक अफवाह उड़ गया था कि बुलडोजर चलेगा और सब टूट जाएगा। उन गरीबों के लिए सोचिए, एक मिडिल मैन के लिए सोचिए जो जमीन लेता है और जिंदगी भर की कमाई मकान में लगा देता है, और 20-30 साल रहने के बाद जीडीए कहता है कि ग्रीन लैंड है, आप यहाँ से हटिए, जाएगा कहाँ?
वो तो आप ही का है, वो महाराज जी के लोग हैं सारे, महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ काम हुए हैं, महाराज जी के कार्यक्रम होते हैं वहाँ, विधायक निधि, सांसद निधि, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का भी नेम प्लेट लगा हुआ है। तो यदि सारी सुविधाएं वो क्षेत्र, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ न हो सके। और हम लोग रजिस्टर्ड कॉलोनी से भी हैं, महाराज जी का काफी स्नेह भी रहा है, कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन सर दुर्भाग्य है कि जीडीए ने मकान, अच्छा जीडीए के वेबसाइट को उसने अवैध घोषित कर दिया। आपने यदि उसको हरित क्षेत्र घोषित किया है तो आपको एक्वायर करना चाहिए, वहाँ के लोगों को हटाना चाहिए, वहाँ सब कुछ डेवलप था, लोग आके मकान बना दिए 30 साल। तो समस्या देना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। दो तीन बातें आपने मिक्स कर दी है, उनको मैं क्लैरिफाई थोड़ा कर दूँ। ये जो नोटिस आपको दिए गए हैं, ये नोटिस इस बात के लिए नहीं दिए गए हैं कि हम वहाँ से आप लोगों को डेमोलिशन करना चाहते हैं या कोई वहाँ पे मकान तोड़ना चाहते हैं। ये नोटिस इस बात के लिए दिए गए हैं कि जो महायोजना 10 साल में एक बार बनती है, उस महायोजना में कौन सा क्षेत्र क्या रहेगा, ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है और हर 10 साल में एक बार होती है। जैसे 2021 का, अब हम एक साल लेट चल रहे हैं, तो 2021 की मास्टर प्लान जो डिसाइड करना है वो अब हो रहा है। और यही चीज़ आप देखेंगे कि 10 साल के बाद 2031 में भी फिर आएगा। तो हर 10 साल में हमें अपने शहर को वो कैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है ताकि व्यवस्थित विकास हो। ऐसा ना हो कि विकास तो हम कर रहे हैं और बाद में स्लम बन जाए ये छोटे छोटे शहर जो हैं। तो ये छोटे शहर स्लम ना बने, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ रेजिडेंशियल बने, जहाँ कमर्शियल है वहाँ पे कमर्शियल बने, मिक्स ना हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली फिर अगर विकास व्यवस्थित नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका नुकसान आप ही लोगों को होगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं होता उस चीज़ का। तो उस व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर 10 साल में एक महायोजना बनाई जाती है। उस महायोजना में हमें जो पहले के 2000 आज से जो 10 साल पहले किसी ने उसको फाइनल किया होगा, तो उसमें जो नक्शा मान लो ग्रीन था, अब वहाँ पे आवास बन गए हैं, तो फिर हमें उनको देना होता है कि भाई आपका, आपने आपत्ति की है कि भाई हमारा यहाँ मकान बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे उसी सिलसिले में आए हैं, जो हमारा और आपके बीच का जो डिफरेंस है कि मैप कुछ और कहता है, वहाँ की वास्तविकता कुछ और कहती है, उसी के क्रम में आपने आपत्तियां भी की। मिडिल क्लास जो सैलरी से मैं 10 साल हो गया जॉब करते, कुछ कुछ पैसा कट करके, और मैं एक अब जो बोले 100% सहमत हूँ, मैं पुणे में हूँ, एक डेवलप्ड सिटी है, ऑर्गेनाइज है, आपका मंशा वही है। बट सर अभी मैं देखा, मैं जहाँ प्लॉट लिया, मेरा एक सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए गोरखपुर में घर बनाऊँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मुझे, मैंने मेहनत किया, पढ़ के थोड़े पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए एक प्लॉट खरीदा। अब सर इसमें हमारी गलती क्या है, वहाँ एक दो मकान ऑलरेडी बने हैं, पहले से मेरे रिलेटिव लोग भी ऐसे ही खरीदते थे, हमने खरीदा, अब वो जाके आपने अनियमित कर दिया, तो उसमें अब हमारी क्या गलती है? जो कॉलोनाइजर्स हैं वो, उनको रजिस्ट्री करने का मौका ही नहीं दिया जाए। हम जाए कचहरी में, बोल दिया जाए कि नहीं इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, ये चीज चाहिए। अभी तो मैं लेके फंस गया, अभी मैं क्या करूँ? मैं EMI देता हूँ सर, मैं इतना बड़ा अपना एक जिंदगी का एक ही सपना है, मैं तो पुणे सेटल हो लूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा को यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, अच्छा डेवलप हो रहा है, एम्स बन रहा है। हम बिहार से हैं, नो डाउट कि हम यूपी से नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं कि ये एक हमारे आसपास का बढ़िया सिटी है, तो मेडिकल है, एजुकेशन है, इसके लिए हम अपना मतलब पूरा पैसा, इवन पर्सनल लोन भी लिया, लोन लेके हम EMI भर रहे हैं, और मकान बनाएंगे तो होम लोन लेंगे। तो मैं तो फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, पेपर जब से पढ़ा तब से मेरा मेंटली मतलब सिचुएशन सही नहीं है सर। महायोजना सुनवाई की जा रही, कितने लोग हैं, क्या काम है? आज कुल मिला के 11,000 आपत्तियाँ हम लोगों ने हमें प्राप्त हुई थी, उसी क्रम में आज 2 शिफ्टों में लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है, और लगभग 1,000 लोगों को आज हमने इनवाइट किया है, उनकी आपत्तियों का आज सुनवाई की जा रही है, उसके बाद समिति जो है अपनी रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड करेगी। अभी तो हमने ग्रुपिंग करके बुलाया हुआ है, मोस्टली यहाँ पे इस शिफ्ट में जो है झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी आपत्ति यही कि प्रखंडीय पार्क को आवासीय घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सारे जगह पे मकान बन चुके हैं, तो उनकी आपत्ति सुनवाई की जा रही है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से और नियम के तहत जो हम लोग निर्णय ले सकेंगे वो समिति अपना रिकमेंडेशन बाद में देगी।